दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे कि पुराने पेंट को रिमूव करके उस पर पॉलिश कैसे की जाती है। तो देखिए हमारे पास ये लकड़ी की विंडो है, किस लकड़ी की है तो पेंट उतारने के बाद ही पता लगेगा। तो इसके ऊपर पहले पेंट हुआ था, अभी हमें इस पर पॉलिश करनी है। इसको पूरा उतार के इसके ऊपर हमें पॉलिश करनी है। कैसे करेंगे सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इस पेंट को हमें उतारना पड़ेगा। पेंट उतारने के लिए हम इसमें ग्राइंडर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमारे पास ग्राइंडर है, इसमें हम 60 नंबर का रेगमल लगा के पूरे पेंट को उतार देंगे। बाकी आप चाहें तो पेंट रिमूवर से भी पेंट को उतार सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ग्राइंडर से ही उतारें, इससे मेहनत भी कम करनी पड़ती है और जहाँ पर लकड़ी ऊँची नीची होती है वह भी बराबर हो जाती है। देखिए 60 नंबर का हमारे पास रेगमल है, इसी को हम ग्राइंडर में लगा के इसको उतारेंगे। तो चलिए मैं पहले इसको उतार लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरे पेंट को उतार लिया था ग्राइंडर मार के। अभी जो मोल्डिंग के ऊपर पेंट लगा हुआ है वह हमें हाथ से ही निकालना पड़ेगा। इस पर हम रेगमल लगा के इसको साफ कर लेंगे, या फिर इस पर आप पेंट रिमूवर भी लगाकर इसको उतार सकते हैं। इस पर हम 80 नंबर का रेगमल लगाएंगे, जिससे कि यह पेंट बहुत ही आसानी के साथ में उतर जाएगा। जो वाइट वाइट दिख रहा है यह सारा पेंट लगा हुआ है, तो इसको हमें उतारना है। और इस रेगमाल को हमें पूरी लकड़ी के ऊपर लगाना है, ताकि जो ग्राइंडर के निशान हैं, ग्राइंडर जब लगाते हैं तो गोल गोल से निशान पड़ जाते हैं, तो उसको भी निकालने के लिए इस रेगमाल का इस्तेमाल करेंगे हम। तो देखिए अभी हमने पूरे पेंट को उतार लिया है, अब हम पटे वाले रेगमाल को पूरी विंडो के ऊपर लगा देंगे। और इस तरीके से पॉलिश आप किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं, चाहे आपका बेड हो, टेबल हो, सोफ़ा हो, या फिर दरवाज़ा वगैरह हो। प्रोसेस सारा सेम ही होता है, लकड़ी आपकी किसी भी प्रकार की हो पॉलिश करने का प्रोसेस एक जैसा ही होगा। अभी हमें इसकी रिपेयर करनी है। रिपेयर करने के लिए हम वुड फिलर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए टीक कलर का वुड फिलर है, 1 kg की पैकिंग है और इसकी MRP है 333 रुपये। आप कंपनी कोई भी ले सकते हैं, बहुत सी कंपनियाँ अवेलेबल है मार्केट में। ये देखिए टीक कलर का वुड फिलर होता है। बाकी आप चाहें तो सेना पाउडर से भी इस तरह का वुड फिलर बना सकते हैं। 3 सेना लगेंगे आपके, और इस तरह की पुट्टी बना के आप इसके ऊपर रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वुड फिलर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि पाउडर जो है वो मिट्टी ही होती है एक प्रकार की, तो वह इतना मजबूत नहीं होता है। वुड फिलर ज़्यादा मजबूत होता है इसके मुकाबले। तो इस वुड फिलर से हम पूरी लकड़ी के ऊपर इसको खींच देंगे, ताकि जो छोटे मोटे होल होंगे वह भी इससे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि लकड़ी हमारी पुरानी थी, छोटे मोटे होल ज़रूर इसमें होंगे। इसलिए हम पूरी लकड़ी के ऊपर इसको एक बार खींच देंगे पत्ती से, जिससे कि इसकी नस भी भर जाएगी और जहाँ पर छोटे मोटे होल होंगे वह भी बराबर हो जाएंगे। और जोड़ वगैरह भी आपको अच्छी तरह से भर लेना है। अगर एक बार में कवर नहीं होता है तो दूसरी बार आप रिपेयर कर सकते हैं इसकी। 10-15 मिनट में सूख जाता है, उसके बाद में आप इसकी रिपेयर कर सकते हैं। देखिए हमने रिपेयर कर ली है, अभी इसको सूखने देते हैं आधा एक घंटा। उसके बाद में हम इसके ऊपर 120 नंबर का या फिर 150 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमल लगाएंगे और अच्छी तरह दबा के मार देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पुट्टी लगी होगी वो सारी निकल जाएगी इससे। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। चलिए मैं इसको पूरा साफ कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो देखिए अभी हमने इसको पूरा साफ कर लिया है, अब हम इस पर लाख दाना पॉलिश मारेंगे। देखिए लाख दाना पॉलिश हमने बना के रखी हुई है। लाख दाना मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होता है लाख दाना। वैसे तो वीडियो पड़ी हुई है इसकी, लाख दाना पॉलिश को कैसे बनाया जाता है, हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। ये देखिए ये लाख दाना होता है, इसको आप थिनर या फिर स्पीड में घोल सकते हैं। लीटर में लगभग 100-150 ग्राम और 200 ग्राम तक लाख दाना पड़ जाता है। उसके बाद में इसको धूप में रखना पड़ता है, जब ये गर्म हो जाती है तब इसका इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अभी हम दिसंबर के महीने में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है तो थोड़ा सा इसको घुलने में टाइम लगता है। आप एक दिन पहले इसको घोल के रख दें, बोतल में डाल के रख दें, तब ये घुल जाएगी, तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक दो हाथ इसके ऊपर हमें अप्लाई करने हैं। ये देखिए अभी हम इसका कलर भी मैच करेंगे, जैसे कहीं कहीं लकड़ी डार्क है और लाइट है तो उसको हम एक जैसा कलर करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें वुड स्टेन का इस्तेमाल करेंगे। इसी पॉलिश में हम वुड स्टेन मिक्स करेंगे, टीक कलर का वुड स्टेन मिक्स करेंगे, जिससे कि इसका कलर येलो टोन पे हो जाएगा। इसके हम 2-3 हाथ इस पर मार देंगे, जिससे कि जो लकड़ी थोड़ी बहुत डार्क होगी वह भी कवर हो जाएगी। ये देखिए, बाकी अगर आप इसके ऊपर ब्राउन या फिर दूसरा कोई कलर करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप इस पर कलर चढ़ा सकते हैं। ब्राउन के लिए वॉलनट वुड स्टेन आता है, बाकी अगर और डार्क करना है तो उसके लिए चारकोल भी आता है।
जिस हिसाब से आपको करना है कर सकते हैं, हमें इस पर नेचुरल ही करना है इसलिए हम येलो का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। और जाली को आपको कवर कर लेना है पहले ही, क्योंकि जाली पे अगर पॉलिश लग जाती है तो जाली जाम हो जाती है, ख़राब हो जाती है। जाली चेंज करनी है इसलिए मैंने इस पर कुछ भी नहीं लगाया है, बाकी आप टेप वगैरह से इसको कवर कर लें पॉलिश करने से पहले। तो इसी तरीके से इस पर दो तीन हाथ मार देने हैं, उसके बाद में इस पर हमें सीलर अप्लाई करना है। अगर आपको हाथ से पॉलिश करनी है तो आप सैंडिंग सीलर ले सकते हैं, NC सैंडिंग सीलर, और इसमें आप लाइकर भी मिक्स कर सकते हैं, आधा NC सीलर और आधा NC लाइकर मिक्स करके इस पर आप 5-10 हाथ मार सकते हैं सीलर के। अगर आपको स्प्रे गन से करना है तो मेलामाइन सीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मेलामाइन सीलर है, एशियन पेंट्स कंपनी का है, में मेलामाइन सीलर का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम स्प्रे गन से ही करने वाले हैं, तो हम मेलामाइन सीलर ही इस पर मारेंगे। ये देखिए अभी रात हो गई है थोड़ी सी, थोड़ा सा आपको कलर में फ़र्क दिखेगा। जाली को आपको कवर कर लेनी है अगर आप स्प्रे गन से करते हैं तो। तो चलिए मैं इस पर सीलर मार लेता हूँ, मेलामाइन सीलर मार लेता हूँ, उसके बाद में आपको दिखाता हूँ। मैं इस पर एक कोट में ही पूरा इसको भर दूंगा ताकि हमें दोबारा कोट ना लगाना पड़े, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जब तक कि लकड़ी की नस नहीं भरती है तब तक आपको सीलर मारते ही रहना है, चाहे एक कोट लगे या फिर आपका दो कोट लगे। तो अभी मैंने इस पर सीलर मार लिया है, देख सकते हैं। अभी इसको सूखने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिन में दिखाता हूँ किस तरह का दिखता है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इसकी ओरिजिनल लुक और इसकी मैंने फुल भराई कर ली है। अगर आप मैट फिनिश में करते हैं तो आपको इसी तरह की लुक और फिनिशिंग दिखाई देगी। ये देखिए बिल्कुल मैट फिनिश में लग रहा है ये, अगर आप मैट फिनिश करते हैं तो इसी तरह की फिनिशिंग होगी। तो हमें इस पर ग्लॉस करना है, तो ग्लॉस करने से पहले हम इसकी सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग करने के लिए हमने 320 नंबर का रेगमाल लिया है, इसको अच्छी तरह से दबा के लगा देंगे ताकि जो रफनेस हो वो सारी निकल जाए। ये देखिए इस तरीके से, और उसके बाद में इसको साफ़ कर लेना है कपड़े से अच्छी तरह से, और फिर हमें इस पर टॉप कोट अप्लाई करना है। टॉप कोट में हम ग्लोसी करने वाले हैं, अगर आपको मैट फिनिश चाहिए तो आप इस पर मैट अप्लाई कर सकते हैं। करने का प्रोसेस और बनाने का प्रोसेस दोनों का सेम ही होता है। सबसे पहले इसको हम साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि डस्ट वगैरह ना रहे आसपास, और उसके बाद में हम इस पर मेलामाइन ग्लोसी का प्रयोग करेंगे। ये देखिए हमारे पास है मेलामाइन ग्लोसी, मेलामाइन ग्लोसी और मेलामाइन मैट, मेलामाइन सीलर। बनाने का प्रोसेस एक जैसा ही होता है, 1 लीटर में 100 ग्राम हार्डनर पड़ता है और 200 ग्राम तक मेलामाइन थिनर पड़ता है। डब्बे भी सारे सेम ही होते हैं, बस इस पर लिखा होता है कि ये मैट है और ये ग्लोसी है और ये सीलर है। तो चलिए मैं इसको मार लेता हूँ एक हाथ। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इसको हम एक बार में ही पूरा फिनिश करेंगे इसलिए हमें दबा के थोड़ा सा इस पर माल अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी अगर आपका एक कोट में फिनिश नहीं होता है तो आप इस पर डबल कोट भी अप्लाई कर सकते हैं। जब ये सूख जाएगा तो आप इसकी हल्की सैंडिंग करके आप इस पर डबल कोट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं इस पर सिंगल कोट मार लेता हूँ, उसके बाद में देखते हैं किस तरह की फिनिशिंग है इसकी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस पर सिंगल कोट अप्लाई कर लिया है और फिनिशिंग इसकी बढ़िया हो गई है। अभी इसको सूखने देते हैं, उसके बाद में जब सूख जाएगा फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह की इसकी फिनिशिंग हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने फिनिश कर लिया है और डायरेक्ट सनलाइट में आपको इस तरह की इसकी फिनिशिंग दिखेगी, मतलब दिन में आपको इस तरह की फिनिशिंग और इसका कलर इस तरह का दिखेगा जिस तरह का आपको दिख रहा है, ओरिजिनल कलर यही है। अभी हमने इस पर सिंगल कोट ही मारा है और ये पूरा फिनिश हो गया है। बाकी अगर आपको डबल कोट लगाने की जरूरत पड़ती है तो आप इस पर डबल कोट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 600 नंबर एक मास सैंडिंग करके आप इस पर डबल कोट अप्लाई कर सकते हैं।